आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, आपके साथ मैं ज्योति वर्मा। खबर कश्मीर से। उत्तरी कश्मीर के हंदवारा बस स्टैंड में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। यात्रियों के अनुसार उचित स्वच्छता सुविधा की कमी प्रमुख समस्याओं में से एक है। हंदवारा बस स्टैंड से रोजाना करीब 15,000 से अधिक यात्रियों का आना जाना होता है, हालांकि किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। आइए सुनते हैं। बस स्टैंड है, इसमें बहुत सारे मुश्किल है, यहाँ पैसेंजर शट नहीं है, यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट हंदवारा से लोग आते हैं, हर इलाके को यहाँ से बस सर्विस जाती है, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं है कि जहाँ सवारी सर छुपा सके या पैसेंजर किसी को लास्ट मिनट बैठ सके, गाड़ी का इंतजार कर सके, पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, पैसेंजर नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस अड़े के लिए कुछ करे, यहाँ पैसेंजर शेड बनने चाहिए, यहाँ बाथरूम बनने चाहिए, पानी का यहाँ लोगों के लिए पानी पीने का कुछ होना चाहिए, लोगों को थोड़ी बहुत सहूलत मिलनी चाहिए। पानी ही जीवन है और सरकार स्वच्छता अभियान चलाती है, मगर बस स्टैंड की हालत देखकर नहीं लगता कि यहाँ कभी सफाई भी हुई हो। हंदवारा से शमीम भट्ट की रिपोर्ट।